हाँ तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में गुप्तोत्तर भारत का अध्ययन किया, जिसमें हर्षवर्धन को बहुत अच्छी तरीके से कहानी के माध्यम से हमने अध्ययन किया। तो देखिए बच्चों, फटाफट वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोज़ के नए नए जितने भी वीडियोज हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। और देखिए, हम अपने इस चैनल का ज्ञापन के नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो वहाँ पर हम सारे वीडियो के साथ साथ सारे पीडीएफ भी डालते हैं। जितने भी हम क्लासेस लेते हैं तो हस्तलिखित पीडीएफ वहाँ मिलता है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को अवश्य जो है उसे सब ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, ग्रुप में जुड़ जाइए, और उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से लिंक ले करके और अवश्य ग्रुप ज्वाइन करिए। ज्ञापम के नाम से ग्रुप है। तो चलिए, आज हम लोग प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं गुप्तोत्तर भारत में। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? तो ये शायद प्रश्न रिपीट हो रहा है, गुप्त काल में भी हमने इसको कराया था, लेकिन चलिए समझ लीजिए। ए ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी ऑप्शन है कुमारगुप्त और डी ऑप्शन है स्कंदगुप्त। तो हूणों का जो पहला आक्रमण होता है, आपने बिल्कुल सही गैस किया है, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, जो गुप्त का एक शासक था, गुप्तकालीन शासक था। इसके समय में हूण जो थे, बेसिकली थोड़ा समझ लो, हूण मंगोलिया की एक प्रजाति थी, मंगोलिया की एक खानाबदोश जनजातियाँ थीं, जो मंगोलिया में जनसंख्या बढ़ने की वजह से और वहाँ आंतरिक कलह होने की वजह से उनकी दो धाराएं चलती हैं पश्चिम की तरफ। एक तो यूराल पर्वत को क्रॉस करके रोम पहुँच जाती है और दूसरी वाली पश्चिमी चीन से होकर के और वो प्रवेश करती है ऑक्सस नदी के आसपास मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, और वहीं से उनकी शाखा भारत में आती है। तो जो भारत आने वाली शाखा होती है वो श्वेत शाखा होती है। कौन सी शाखा? श्वेत हूणों की। ठीक है, तो स्कंद गुप्त के समय में सबसे पहले जो आक्रमणकारी आता है, खुशनवाज नाम था उसका। क्या नाम था? खुशनवाज। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। उसके बाद तोरमाण, उसके बाद मिहिरभोज। मिहिरभोज का आक्रमण होता है नरसिंह बालादित्य के समय में, जो कि गुप्त शासक था, और नरसिंह बालादित्य से मिहिरभोज हार जाता है और अपनी माँ के कहने पर उसे छोड़ देता है, और वो मिहिरभोज वापस चला जाता है। उसके बाद दोबारा फिर जो है ये मालवा की यशोधर्मन के समय आक्रमण करता है, तो मालवा वाले क्षेत्र में, लेकिन यशोधर्मन भी उसे बुरी तरीके से परास्त कर देता है और वापस चला जाता है। ये जानकारी हमको मंदसौर के अभिलेख से पता चलती है। ठीक, तो प्रश्न नंबर दो देखिए आप लोग, निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला कथन है, हूणों की श्याम शाखा भारत आई। हूणों की श्याम शाखा मतलब ब्लैक वाली जो शाखा थी हूणों की, वो भारत आई। क्या ये कथन सही है? दूसरा कथन है, हूणों को म्लेच्छ भी कहा गया है। हूणों को म्लेच्छ भी कहा गया है, दूसरा कथन। और तीसरा कथन है, मिहिर कुल ने सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किया। सर्वप्रथम भारत में हूण की किसने आक्रमण किया? मिहिर कुल ने। तो अब आपको बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। तो नीचे दिया हुआ है ए बी सी डी, जिसमें कथन दिए हुए हैं, तो अब इसमें आपको पहचानना है कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है, हूणों की श्याम शाखा भारत आई, जैसा कि मैंने बताया, हूणों की कौन सी शाखा आई थी? व्हाइट शाखा आई थी, श्वेत शाखा आई थी। तो ये गलत हो गया, ये कथन गलत हो गया। और दूसरा कथन क्या है, हूणों को म्लेच्छ भी कहा गया है। बिल्कुल, म्लेच्छ कहा गया है हूणों को, इतने गंदे तरीके से रहते थे तो उनको मैला कुचला होने की वजह से म्लेच्छ कहा गया है, और ये जहाँ बस गए थे गांधार वाले क्षेत्र में, तो उसको म्लेच्छ देश भी कहा गया है। तो गांधार किस देश को कहा गया है? म्लेच्छ मतलब गांधार को कौन सा देश कहा गया? म्लेच्छ देश भी, या म्लेच्छ क्षेत्र, या म्लेच्छ राज्य भी कहा गया गांधार को। ठीक है, तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। तीसरा वाला है, मिहिर कुल ने सर्वप्रथम भारत में आक्रमण किया। तो जैसा कि हमने बताया, भारत में हूण सबसे पहले स्कंदगुप्त के समय में आए थे, और जो आक्रमणकारी था खुशनवाज, वो आया था सबसे पहले, ना कि मिहिर कुल आया था। मिहिर कुल जो है बालादित्य के समय आता है और यशोधर्मन के समय आता है। ठीक, तो इसमें केवल दो कथन सही है, डी वाला सही हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 3 है, गुप्तोत्तर भारत में बल्लभी में किस वंश का शासन रहा? बल्लभी जो काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, आप मानचित्र में देखोगे, देखो भारत के नक्शे में अगर आप इस तरीके से देखोगे तो बल्लभी जो है काठियावाड़ वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र था बल्लभी का। यहाँ पर बल्लभी विश्वविद्यालय है, कौन सा विश्वविद्यालय है? बल्लभी विश्वविद्यालय था, ठीक है। और ये काठियावाड़ में है या सौराष्ट्र में है, तो यहाँ पर नक्शे में आप देख लो ये, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है, गुप्तोत्तर भारत में बल्लभी में किस वंश का शासक था, किस वंश का शासन था बल्लभी में? तो बल्लभी में ऑप्शन है मैत्रक वंश, बी है मौखरी वंश, सी है उत्तरगुप्त वंश, डी है पुष्यभूति वंश। तो किसका शासन था यहाँ पर बल्लभी में? ए वाला आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैत्रक वंश का शासक था, शासन था बल्लभी में। और मौखरी वंश का शासन कहाँ था? मौखरी वंश का शासन जो है यहाँ पर था कन्नौज में। मौखरी वंश का शासन कहाँ था? कन्नौज में, ठीक है। और ये थानेश्वर है, और थानेश्वर में वर्धन वंश का शासन था, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो मौखरी में कन्नौज में मौखरी वंश, और उत्तरगुप्त वाला मगध और मालवा वाला क्षेत्र था, जो उत्तरगुप्त था मगध और मालवा वाला क्षेत्र, ठीक है, तो ये ध्यान रखना उत्तरगुप्त का। और पुष्यभूति वंश थानेश्वर में था, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, प्राचीन बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो प्राचीन बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मालवा में, बी ऑप्शन है मगध में, सी ऑप्शन है काठियावाड़ में, डी ऑप्शन है उज्जैनी में। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना, सी काठियावाड़, या फिर बल्लभी वाले ये क्षेत्र में जो है सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में, ठीक है। और 5वां प्रश्न है, प्राचीन मंदसौर अभिलेख से किस राजा के बारे में जानकारी पता चलती है? प्राचीन मंदसौर अभिलेख, देखो मंदसौर अभिलेख जो है ये यशोधर्मन का था, किसको था? यशोधर्मन का। तो हाँ, तो ये हमने पहले ही बता दिया, इसमें ए वाला है ध्रुवसेन द्वितीय, बी वाला है यशोधर्मन, सी वाला है प्रभाकर वर्धन, और डी वाला है ग्रह वर्मा। तो इसमें यशोधर्मन का हो जाएगा। देखिए जो पश्चिम वाला मालवा वाला क्षेत्र था, यहाँ पर अचानक एकदम से उभरता है यशोधर्मन और लगभग उत्तर भारत के पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लेता है, ठीक है। तो ये लगभग 510 ईस्वी के आसपास में शासन सत्ता में उभरता है, ठीक। और जो पहला ऑप्शन है ध्रुवसेन द्वितीय, तो ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रक वंश का यहाँ का शासक था, जो कि हर्षवर्धन से युद्ध में हारता है, और बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी ध्रुवसेन द्वितीय से। और सी वाला जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का राजा था, जो पहला स्वतंत्र शासक हुआ वर्धन वंश का या पुष्यभूति वंश का, जिसके दो बेटे थे राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक बेटी थी राजश्री, जिसकी शादी ग्रह वर्मा से कर देता है, ठीक। तो ये 5 प्रश्न हो गए। तो 6ठा प्रश्न है, प्राचीन शासिका राजश्री की राजधानी कहाँ थी? पहला है थानेश्वर, बी वाला है कन्नौज, सी है पाटलिपुत्र, डी है माहिष्मती। तो राजश्री की राजधानी कन्नौज थी। कन्नौज, देखो राजश्री जो प्रभाकर वर्धन था उसकी पुत्री थी, और राजवर्धन और हर्षवर्धन की लाडली बहन थी। जब ग्रहवर्मा अर्थात राजश्री के पति की हत्या देवगुप्त द्वारा कर दी जाती है, तो उसके बाद में फिर हर्षवर्धन और राजश्री दोनों साथ साथ में कन्नौज के सिंहासन पर बैठते हैं, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो आप कन्नौज के साथ यहाँ पर जाइए, बिल्कुल कन्नौज सही होगा। 7वां प्रश्न है, बोध वृक्ष कटवाने वाला शासक शशांक किस राज्य का शासक था? बोध वृक्ष को काट दिया था शशांक, जो कि शैव मतावलंबी था, और इसने जो है बोध वृक्ष को काट करके गंगा में फेंकवा दिया था। तो ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है कामरूप, ऑप्शन सी है मालवा, ऑप्शन डी है मगध। तो बिल्कुल गौड़ वंश का शासक था शशांक। गौड़ वंश कहाँ था? पुंड्रवर्धन या बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो बंगाल सही हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका बंगाल सही हो जाएगा, जो कि गौड़ वंश का शासन वहाँ था और शशांक उसका शासक था। और जो कामरूप है असम वाला क्षेत्र,
कामरूप ये यहाँ पर जो है एक भास्कर वर्मन नामक शासक हुआ करता था इसी दौरान। कौन होता था? भास्कर वर्मन। और भास्कर वर्मन भी इससे परेशान था, तो इसने जो है हर्षवर्धन से दोस्ती कर ली। किसने? भास्कर वर्मन ने हर्षवर्धन से दोस्ती कर ली और इस तरीके से शशांक जो है परास्त होता है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन किया था? किस विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग? तो ए वाला है तक्षशिला, बी है नालंदा, सी है बल्लवी, डी है विक्रमशिला। तो ह्वेनसांग पहली बात तो किसके साथ शासनकाल में आया था भारत? ह्वेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में, और यहाँ पर आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन अध्यापन का कार्य किया था, और उसके दौरान नालंदा में शीलभद्र नामक व्यक्ति जो है उसका प्राचार्य था, अर्थात प्रिंसिपल था। और ह्वेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा गया है, और इसके अलावा यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया है। और ह्वेनसांग जो चीन से आता है, चीन में उस समय तांग वंश का शासन था, चीन में इसके समय में तांग वंश का शासन था, और ताइसुंग इस समय राजा होता था। तो प्रश्न आता है कभी कभी कि हर्ष के समय में चीन का शासक कौन था? ताइसुंग था, जो किससे संबंधित था? तांग वंश से। और ये जो ह्वेनसांग है ये चोरी छिपे आ जाता है भारत, क्योंकि उस समय यहाँ पर तुर्कों का आक्रमण हो रहा था चीन में। तो चीन पश्चिमोत्तर सीमा पर इसने ताइसुंग ने किसी को चीन से बाहर जाने की मनाही कर दी थी, उस सीमा को सील कर दिया था। तो इसलिए लेकिन ये चोरी छुपे जो है इस वाले क्षेत्र से भारत में प्रवेश करता, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ताइसुंग शासनकाल के समय में ये आता है और चोरी छुपे आता है। तो प्रश्न यहाँ से आता है कभी कभी कि जो है ताइसुंग के दूत के रूप में आया था क्या? तो दूत के रूप में नहीं आया था, बल्कि किस रूप में आया था? वो चोरी छुपे आया था और भारत में आया था। यहाँ पर जो मूल ग्रंथ है बुद्ध धर्म के, उनको उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसका अध्ययन करने के लिए। नवा प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो ये हो गया है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, यशोधर्मन। तो हर्षवर्धन है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 है, हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना किस विद्वान ने की? हर्षवर्धन ने, बी है बाणभट्ट ने, सी है मयूर ने, डी है कल्हण ने। तो हर्षचरित पुस्तक की रचना किसने की थी? बाणभट्ट ने। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बाणभट्ट ने इसके अलावा एक किताब और लिखी थी, कादंबरी। तो कादंबरी संस्कृत उपन्यास है और ये भारत का प्रथम उपन्यास भी कहा जाता है, किसको? कादंबरी को, ठीक है। और हर्षवर्धन ने भी 3 किताबों की रचना की थी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, तो ये ध्यान रखना है। और मयूर भी जो है हर्षवर्धन का एक विद्वान व्यक्ति था उसके दरबार का, और मयूर ने भी 2 किताबें लिखी थी, मयूर शतक और सूर्य शतक मयूर ने लिखा था, ठीक है। और कल्हण जो कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है अपनी राजतरंगिणी में। प्रश्न नंबर 11 है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने जो है 2 धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए थे, तो कहाँ किए थे? पहला है कन्नौज तथा प्रयाग में, दूसरा है थानेश्वर तथा प्रयाग में, तीसरा है प्रयाग तथा बल्लवी में, और चौथा है थानेश्वर तथा कन्नौज में। तो चूंकि इसका संबंध जो है अब थानेश्वर कन्नौज से भी था, तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो सकते हो, दोनों इन दोनों को जा सकते हो, लेकिन यहाँ पर इसने कन्नौज में जो है एक धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था जिसकी अध्यक्षता की थी ह्वेनसांग ने। और इसके अलावा इसने प्रयाग में हर 5वें वर्ष पे यहाँ पर धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करता था, जो आज का कुंभ मेला की तरीके से आप समझ सकते हो। और यहाँ पर जो है दान दक्षिणा करता था, इसीलिए प्रयाग वाले जो है धार्मिक सम्मेलन को महामोक्ष परिषद कहा गया है, क्योंकि यहाँ हर स्वयं आकर के हर 5वें वर्ष सम्मेलन का आयोजन करता था और ब्राह्मणों को, श्रमणों को, गरीबों को दान देता था, तो इसीलिए इसको महामोक्ष परिषद कहा गया है। और इसके 6वें सम्मेलन में 6वें सम्मेलन में जो है ह्वेनसांग भी यहाँ शामिल होता है, ठीक है, तो उसने भी जिक्र किया है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? देखो हर्षवर्धन ने पूरे पंच भारत को जीत लिया था, तो ये पंच भारत क्षेत्र को जीत लिया था, लेकिन इसने जो है इसे हराया भी था एक शासक ने, तो किसने हराया था? तो ऑप्शन ए है ध्रुवसेन द्वितीय ने,
पुलकेशिन द्वितीय ने, और बी है पुलकेशिन फर्स्ट ने, और डी है देवगुप्त ने। तो बिल्कुल सही है, सी वाला है पुलकेशिन द्वितीय। देखो यहाँ पर उस समय ये शासन, ये जो यहाँ पर नर्मदा नदी है और ये विंध्य पर्वत है, तो नर्मदा नदी के नीचे जो है विंध्य पर्वत के नीचे चालुक्य वंशी या वातापी का शासन हुआ करता था, और चालुक्य वंशी शासक उस समय पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय उत्तर भारत की तरफ अपने जो है अपने सत्ता का, अपने साम्राज्य का प्रसार करना चाहता था, और हर्षवर्धन विंध्य के दक्षिण में अपने शासन का प्रसार करना चाहता था। तो दोनों के बीच युद्ध होता है नर्मदा नदी के तट पर, और इसमें पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। और ये इसकी जानकारी हमको महाराष्ट्र से प्राप्त एक ऐहोल अभिलेख है उससे पता चलती है, ठीक है, तो ये जानकारी रखना आप। और इसके 13वां प्रश्न है, ह्वेनसांग की भारत यात्रा का विवरण किस पुस्तक में संकलित है। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उसने किताब भी लिखी थी, अपने भारत यात्रा का विवरण किया था, तो कौन सी किताब में संकलित है। ए ऑप्शन है थियांतु, बी ऑप्शन है सी यू की, और सी ऑप्शन है रत्नावली, और डी ऑप्शन है नागानंद। तो ह्वेनसांग ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी यू की, सी यू की नामक किस पुस्तक में उसने अपने भारत यात्रा के विवरण को लिख रखा है। और जो ए ऑप्शन है थियांतु, देखो थियांतु को उसने भारत कहा है, भारत को उसने थियांतु कहा है, थियांतु भारत को कहा है किसने, ह्वेनसांग ने अपनी पुस्तक में सीयूकी में उसने जिक्र किया है थियांतु भारत के बारे में, तो भारत को थियांतु कहा गया है बौद्ध जो है वो चीन ग्रंथों में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका ये किसने लिखा था, हर्षवर्धन ने लिखा था। प्रश्न नंबर 14 है, यात्रियों को राजकुमार किसे कहा गया है, ये प्रश्न आ गया। देखो पहला है फाहियान, दूसरा है ह्वेनसांग, तीसरा है इत्सिंग, और डी वाला है मेगस्थनीज। तो फाहियान किसके समय आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था जो कि चीनी यात्री था, और बी वाला ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। तो हमको क्या कहा गया है, यात्रियों का राजकुमार, और इसका एक नाम और क्या था, शाक्य मुनि, ठीक है। और इत्सिंग उसके बाद आता है, ह्वेनसांग के बाद आता है इत्सिंग भारत में। और इस जो मेगस्थनीज है, मेगस्थनीज ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यूनान का एक जो है राजदूत था, किसका, सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में लगभग 6 वर्ष रहा था, और इसने एक इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की है। प्रश्न नंबर 15 है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। कादंबरी, कादंबरी किसकी रचना है, बाणभट्ट की है, बिल्कुल सही मिलान किया आपने। और प्रियदर्शिका किसकी रचना है, हर्षवर्धन की है। और सूर्य शतक किसकी रचना है, मयूर की है, मयूर ने दो किताबें लिखी थी, सूर्य शतक और मयूर शतक, ठीक है। तो मयूर किसका दरबार में, किसके दरबार में था, हर्ष के दरबार में था। और सी यू की पुस्तक ह्वेनसांग की है ही है, तो ये सही हो गया। 16 नंबर प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। गुप्तोत्तर के बाद देखो पहले व्यापारिक केंद्र पाटलिपुत्र था, लेकिन गुप्त पतन के बाद व्यापारिक केंद्र क्या बन जाता है, तो ए वाला कन्नौज है, बी वाला पाटलिपुत्र है, सी वाला उज्जैन है, डी वाला थानेश्वर है। तो गुप्तोत्तर के बाद मोस्टली जो है सत्ता कहाँ केंद्रित रहती है, कन्नौज के क्षेत्र में। और कन्नौज का जो इसका आर्थिक बहुत महत्व था, चूँकि ये यमुना और गंगा के दोआब में स्थित था, और इसके अलावा ये पूरे उत्तर और दक्षिण भारत के लिए जो है व्यापारिक मार्ग जो है चौराहा था, व्यापारिक मार्गों का, दक्षिण जाने के लिए, पश्चिम जाने के लिए, पूरब जाने के लिए, उत्तर जाने के लिए, तो इसलिए इसकी व्यापारिक महत्ता बढ़ गई थी कन्नौज की, और हर्षवर्धन ने काफ़ी महत्वपूर्ण बना दिया था कन्नौज को। तो अब जो व्यापारिक केंद्र था, पाटलिपुत्र का तो पतन हो गया था, गुप्तों के समय से ही पतन होना शुरू हो गया था, तो पाटलिपुत्र खत्म हो गया था, वहाँ से कोई महत्व नहीं रह गया था। तो अब जो है गुप्तोत्तर भारत में कन्नौज एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र था, ठीक है, तो ये आप कन्नौज के साथ जाइए। 17वां प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख से किस युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने अभी बताया ही, ऐहोल युद्ध से नर्मदा नदी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें ए है गंगा घाटी, बी है नर्मदा घाटी, और सी है सप्तसंधव, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो नर्मदा नदी के किनारे किस किस के बीच में युद्ध हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में। तो ऐहोल अभिलेख से हमको नर्मदा घाटी के युद्ध की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 18 है, बल्लभी विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था। बल्लभी विश्वविद्यालय जो कि काठियावाड़ या सौराष्ट्र में स्थित था, ये क्यों खत्म हो गया प्राचीन विश्वविद्यालय, तो इसके खत्म होने के क्या कारण थे, पहला हूण आक्रमण, दूसरा कुशाण आक्रमण, तीसरा अरब आक्रमण, और
चौथा है ग्रीक आक्रमण। तो देखो 8वीं शताब्दी के आसपास जो है यहाँ से पश्चिम से यहाँ गुजरात वाले क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में अरब आक्रमणकारी प्रवेश करते हैं। तो अरब आक्रमणकारी अर्थात मुसलमान आक्रांताओं द्वारा बल्लवी विश्वविद्यालय को ही न नष्ट किया गया, बल्कि यहाँ पर जो नालंदा विश्वविद्यालय था इसे भी नष्ट किया गया। तो अरब आक्रमणकारियों ने जो है बल्लवी को नष्ट किया था। ठीक, तो यहाँ पर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में कौन शामिल नहीं था? देखो कन्नौज का आर्थिक महत्व था और हर्षवर्धन के मरने के बाद यहाँ पर कन्नौज में संघर्ष स्टार्ट होता है, तीन शक्तियाँ उभर करके आती हैं, तो वो कौन कौन सी तीन शक्तियाँ थी? ठीक, तो इसके बारे में जो है बताना है आपको। पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा बी वाला है पाल, और सी में राष्ट्रकूट है, और डी में चोल है। तो कौन तीन शक्तियाँ इसमें संघर्षरत रहती हैं? तो गुर्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, और चोल नहीं रहती हैं। ठीक है, चोल जो यहाँ पर हैं, चोल इसमें नहीं शामिल रहती हैं, बल्कि इस वाले क्षेत्र में राष्ट्रकूट रहते हैं बाद में। तो राष्ट्रकूट और इधर गुर्जर प्रतिहार रहते हैं मालवा वाले उज्जैन वाले क्षेत्र में, और बिहार वाले क्षेत्र में इधर पाल रहते हैं। कौन रहते हैं? पाल। तो इस तरीके से इनके बीच जो है त्रिकोणात्मक संघर्ष प्रारंभ हो जाता है कन्नौज को लेकर के, और लास्ट में गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। तो अगला प्रश्न यही है, 20 वाला प्रश्न है, कन्नौज के त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंततः किसकी सत्ता स्थापित होती है? पाल की या गुर्जर प्रतिहार की, राष्ट्रकूट की या चोल की? चोल तो था ही नहीं इसमें शामिल, तो ये काफ़ी लड़ते भिड़ते रहते हैं, लेकिन अंततोगत्वा गुर्जर प्रतिहार ये कन्नौज को अपने सत्ता में शामिल कर लेते हैं, अपने राज्य में शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हमने 20 प्रश्नों के माध्यम से गुप्तोत्तर भारत का लगभग पूरा जो है डायग्नोसिस कर दिया। तो अब यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों को शेयर करिए। मैं कभी बोलता नहीं हूँ लेकिन आज बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके और जो वीडियोस को लाइक करके दोस्तों को शेयर करके, तो कैसे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा? और इस तरीके से जो ज्ञापन हमारा जो उद्देश्य है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने की, ये कैसे पूरा कर पाएंगे? तो इसी के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।